मॉर्निंग, मैं वरुण सिंह, क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय के तीसरे लेक्चर के साथ आज हम उपस्थित हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस होने वाले ऐसे केमिकल्स हैं। पिछले क्लास में जो एंटीबायोटिक्स हमने पढ़ा था वो एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस होने वाले ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो या तो सूक्ष्म जीवों को किल कर देते हैं या उनके वृद्धि को या उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। तो दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड इन लेक्चर नंबर 2 एंड नाउ आज जो स्टडी करने जाएंगे वो हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। और पिछले लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरस पर कारगर नहीं होते हैं, मतलब कोल्ड और फ्लू पर कारगर नहीं होते हैं। तो आज लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। तो वैक्सीन क्या है कि इसके बारे में कि दीज वैक्सीन आर गिवन टू हेल्दी पर्सन वैक्सीन आर गिवन टू हेल्दी पर्सन सो दैट दे मे नॉट गेट सर्टेन डिजीज। वैक्सीन हेल्दी पर्सन को दिया जाता है ताकि वो सस्पेक्टेड डिजीज, मतलब कि कुछ डिजीज को वो एक्वायर नहीं कर सके, कुछ डिजीज वो उनके उनको नहीं हो सके। तो ये होता है वैक्सीन जो होता है वो दिया जाता है। एंड सर्टेन डिजीज कब तक? थ्रू आउट देयर लाइफ उनके पूरे जीवन काल तक। दिस डेज आजकल जो वैक्सीन बन रहा है पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर आधारित है। जितने भी वैक्सीन आ रहे हैं दे ऑल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब टूडे नाउ डेज वैक्सीन आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहां से बन रहा है ये? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए पहले हम एंटीबायोटिक्स की बात किए थे तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते थे और ये भी लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बन रहे हैं। एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन बोथ आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाउएडेज एंड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग। क्यों ऐसे बन रहे हैं वैक्सीन? वैक्सीन आर सो मेड टू प्रोटेक्ट। क्यों वैक्सीन बन रहे हैं? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट फ्रॉम वेरियस डिजीज। प्लांट और एनिमल को अलग अलग तरह के रोग से बचने के लिए। तो यहां पर यह चीज था हमारे वैक्सीन का। तो वैक्सीन क्या करता है कि जब डिजीज कोई डिजीज हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में जो ब्लड्स हैं तो ब्लड्स में भी सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स में भी कितने टाइप्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को जाना जाता है टू फाइट द जर्म्स। तो इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल के ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं उनके रेस्पॉन्स में। तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं? ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ये चीज होता है। तो वही वैक्सीन में क्या किया जाता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही यहां पर जब कोई जर्म या डिजीज हमारे बॉडी में अटैक करता है, व्हेनेवर सर्टेन डिजीज अटैक्स ऑन आवर बॉडी, जब कोई डिजीज हमारे बॉडी में अटैक करता है तो क्या होते हैं कि हमारे ब्लड सेल्स में हमने पढ़ा था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हमारा सोल्जर ऑफ ब्लड लाइन है। जैसे कि when diseases causing microbes
enters our body. Jab this is called the body produces antibodies to fight the invaders. यहां बहुत अच्छा टर्म यूज किया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे बॉडी में आक्रमण करते हैं, इन्वेड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिजीज कॉलिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी एंड उसके रिस्पॉन्स में जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज कॉलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में प्रवेश करेगा तो उसके रिस्पॉन्स में आपके बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं खासकर व्हाइट ब्लड सेल्स वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे और ये एंटीबॉडीज जो है उनको ग्रोथ को रोक देगा या उन्हें किल कर देगा। तो कौन फाइट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फाइट करता है हमारा एंटीबॉडीज। तो जितना हमारा एंटीबॉडीज मतलब प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा उतना ही हम मजबूत होंगे। तो ये होता है। तो वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन की अगर बात करेंगे, वैक्सीन वेन डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इंटू हेल्दी बॉडी। जब डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी, डेड मतलब मरा हुआ, वीकेंड मतलब वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं, वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कमजोर है, जब हमारे बॉडी में उनको दिया जाता है तो उसके रेस्पॉन्स में हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी बॉडी फाइट एंड किल्स द इनवेडिंग बैक्टीरिया। हमारा बॉडी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खासकर अगर बैक्टीरिया लेते हैं, यहां पर बैक्टीरिया, आवर बॉडी फाइट एंड किल्स द इनवेडिंग बैक्टीरिया हमारा बॉडी जो है वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता है, बॉडी और किल करता है उस इन्वेडिंग बैक्टीरिया को। कैसे करता है, तो बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। हमारा बॉडी जैसे कि मान लीजिए कोई वायरस आया तो बॉडी के अंदर से सेल से मतलब व्हाइट ब्लड सेल या प्लाज्मा सेल्स कभी कभी उनको कहते हैं, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और उनको किल कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा बॉडी उससे लड़ता है और मार देता है इन्वेडिंग बैक्टीरिया को, किसके थ्रू, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सेल है ब्लड का, तो ब्लड में ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, सो कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स भी है, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया तो ये सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा इसके लिए ऐसे नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन इसके रेस्पॉन्स में ये ऐसा लग रहा है कि ये ब्लड के लिए कोई नया चीज है, तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में प्रवेश करेगा तो इस हमारे ब्लड सेल को क्या लगेगा कि ये कोई नया चीज है, और इस नया चीज के लिए जो नया चीज है वो एंटीजन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, एंटीजन मतलब ये बैक्टीरिया हो सकते हैं या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया मीन्स एंटीजन, और उसके रेस्पॉन्स में हमारा सेल क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है, और ये एंटीबॉडी क्या करता है, इनको मार देता है। अगर फॉरेन समझेगा तो मार देगा, अगर अपना समझेगा तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो एंटीजन मतलब बैक्टीरिया, मतलब जर्म्स, इन्वेडिंग बैक्टीरिया इज एंटीजन, दैट इज इन्वेडिंग बैक्टीरिया जो है वो आपका एंटीजन है, और जैसे ये एंटीजन हमारे ब्लड में जाएगा तो हमारे ब्लड के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं तो वो उनके रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं उसको, ब्लड सेल्स में व्हाइट ब्लड सेल्स के भाग होते हैं, वो एंटीबॉडी जनरेट करेंगे और वो एंटीबॉडी आपके एंटीजन को किल कर देगा। तो एंटीजन यहां बैक्टीरिया हो गया, एंटीजन मतलब ऐसा चीज है ये कि हमारे बॉडी को एंटीबॉडी जनरेट करेगा, एंटीजन मतलब एंटीबॉडी जनरेटिंग मतलब एंटीजन का अर्थ ही होता है जैसे जाएगा
उसके रिस्पॉन्स में हमारा सेल्स एंटीबॉडी जनरेट कर देगा। इसको एंटीजन को कहते हैं हम लोग एंटीबॉडी जनरेटिंग। तो सो यहां पर एंटीबॉडी कैसे जनरेट हुआ आप समझ गए कि हमें हमारे ब्लड में कोई भी अननोन चीज जिससे हमारा बॉडी हमारा भलीभांति परिचित नहीं है उसके रिस्पॉन्स में भलीभांति परिचित नहीं है तो वो एंटीजन हो गया, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी सिक्रीट होता है। तो दिस इज एंटीबॉडी व्हाट वी कॉल इट एंटीबॉडी। एंड एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी रिमेन्स इन द बॉडी। एंटीबॉडी क्या रहेगा, बॉडी में ही रिमेन रहेगा, रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बचे रह जाते हैं फ्रॉम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म से हम लोग बचे रह जाते हैं फॉर एवर हमेशा के लिए। अब यहां पर डिजीज दैट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेशन, डिजीज जिससे को हम वैक्सीनेशन लेके बच सकते हैं, वैसे डिजीज का नाम लिखने जा रहे हैं, वैसे डिजीज जिनके वैक्सीनेशन ओरल हो सकता है या इंजेक्शन हो सकता है, तो वैसे डिजीज जिनका हम वैक्सीनेशन से जिसके वैक्सीनेशन से हम बचाव कर सकते हैं, वैसे डिजीज जिनको हम वैक्सीनेशन द्वारा बचाव कर सकते हैं, तो वैसे डिजीज को हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखेंगे डिजीज। क्या डिजीज दैट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेशन, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेशन जिनको हम वैक्सीनेशन द्वारा बच सकते हैं वो है कलरा जानते हैं ना, वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज। दूसरा बी है ट्यूबरक्यूलोसिस, ये जो है ट्यूबरक्यूलोसिस। थर्ड है आपका स्मॉल पॉक्स। और फोर्थ है आपका पोलियो का कंप्लीटली इराडिकेशन होने के हो चुका है। अब कोलरा, ट्यूबरक्यूलोसिस और स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो डिजीज कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेशन, इसको हम वैक्सीनेशन से ट्रीट कर सकते हैं। अब देखिए एडवर्ड जेनर क्या थे, डिस्कवर द वैक्सीन फॉर द पोलियो। एडवर्ड जेनर इसको खोज किया थे, एडवर्ड जेनर इनका जो है एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन दिया था सन 1798 में। पहला जो है वैक्सीनेशन वाज फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798 बाय एडवर्ड जेनर ही ने ऐसा किया था। अब जो है आज पोलियो को हम लोग इराडिकेट कर रहे हैं, मतलब इराडिकेशन के कगार पर ला रहे हैं, वो भी वैक्सीनेशन के थ्रू। पोलियो का ओरल वैक्सीनेशन होता है, दो बूंद पहले प्रचार होता था, दो बूंद जीवन के लिए पोलियो ड्रॉप्स का, तो पोलियो ड्रॉप्स पल्स पोलियो प्रोग्राम दिस वाज द मूल थिंग ऑफ पोलियो, उसमें चलता था कि पोलियो से बच्चों को कैसे बचाया जाए, तो ये पल्स पोलियो प्रोग्राम के तरफ था। इसमें क्या है कि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले किसका खोज किया था, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन का। अब हम पोलियो इज ऑल्सो आई थिंक इरेडिकेटेड बट अभी तक उसका वैक्सीनेशन चल रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं कि थ्रू पल्स पोलियो प्रोग्राम पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू द चिल्ड्रन। क्या दिया जाता था, पोलियो ड्रॉप्स वाज गिवन टू द चिल्ड्रन। पल्स पोलियो प्रोग्राम के थ्रू
पोलियो ड्रॉप्स बच्चों में दिया जाता था, चिल्ड्रेन आर एक्चुअली ए वैक्सीन, आर ये क्या होते थे, एक्चुअली वैक्सीन थे, ओरल वैक्सीन, वैक्सीन ओरल वैक्सीन, वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन इसको कह सकते हैं, ओरल मुंह में दिया गया था इसलिए पोलियो वैक्सीन थे, ओरल पोलियो वैक्सीन, दिस वाज थ्रू पल्स पोलियो प्रोग्राम। अब वर्ल्ड वाइड कंपेजिंग बहुत ज्यादा चला, इरेडिकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड मीन्स स्मॉल पॉक्स के लिए पूरा वर्ल्ड वाइड कंपेजिंग चला कि इसको एकदम खत्म कर देना है, तो ये भी नाउ अब जो है वैक्सीन जो है लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं। वी मस्ट, अगर हम लोग वी मस्ट प्रिवेंट द डिजीज, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज, हम लोग क्या है डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं, बाय वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम में वैक्सीनेशन के थ्रू हम लोग इससे बच सकते हैं, बहुत सारे डिजीज से हम लोग बच सकते हैं। तो वैक्सीनेशन एक रास्ता है कि रोगों से हम कैसे लड़ सकते हैं, बच सकते हैं, ये थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन फॉर एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किसी अदर डिजीज के लिए। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चलेंगे बच्चों हम लोग, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय का ये आपका चल रहा है सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास एट, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हार्मफुल इन मैनी वेज। बच्चों ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत तरह से हार्मफुल है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि कुछ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस डिजीज इन प्लांट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस या कॉजेस, खासकर कॉजेस डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिजीज करते हैं किसमें, प्लांट एंड एनिमल्स में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स, और डिजीज कॉजिंग देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि ये सूक्ष्म जीव जो हैं, ये सभी के सभी सूक्ष्म जीव नहीं लेकिन बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, वो पौधों और जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव पौधों और जानवरों में रोग करते हैं, तो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव को हम लोग पैथोजन कहते हैं, वी से पैथोजन। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स द फूड मतलब फूड को भी वो कभी कभी बर्बाद करते हैं, तो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाता है, मतलब फूड को स्पॉइल कर दिए, अगर वो खा लिए तो उससे क्या होगा, बहुत सारा दिक्कत आपके बॉडी में आने लगेगी, तो दिस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। दे में ऑल्सो कॉज यू सेवियर डिजीज, इससे आपको बहुत सारे रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फूड को स्पॉइल कर देते हैं। फूड को स्पॉइल करने के साथ साथ कुछ आपके कपड़ों को भी बर्बाद कर देते हैं, क्लॉथ को भी बर्बाद कर देते हैं, एंड लेदर को भी, फंजी वगैरह जो है वो बर्बाद कर देता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है
नुकसान के नुकसान तो देते ही हैं। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम हार्मफुल के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही चर्चा होगी। सो अभी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोगों को जो होने वाला नुकसान है उसके बारे में जानेंगे। तो यहां पर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग, डिजीज कॉजिंग कॉजिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें पहले हम लोग देखेंगे एंट्रेंस ऑफ पैथोजेन, एंट्रेंस ऑफ पैथोजेन, पैथोजेन का एंट्रेंस इन आर बॉडी, इन आर बॉडी, हमारे बॉडी में पैथोजेन कैसे एंटर करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पैथोजेन क्या होते हैं बच्चों, पैथोजेन वो होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, तो रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेन कहलाते हैं। मतलब कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस डिजीज, ये क्या करते हैं पैथोजेन, मतलब डिजीज प्रोड्यूसिंग, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेन। तो इन जो डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे शरीर में एंट्रेंस कैसे पाते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। इनका एंट्रेंस होता है बाय एयर, इनका एंट्रेंस होता है बाय वाटर, इनका एंट्रेंस होता है बाय फूड, इनका एंट्रेंस होता है बाय कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रवेश द्वार है, मतलब हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट इनसाइड आवर बॉडी, कैसे ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने के जो गेट्स हैं वो हैं एयर, व्हेन समटाइम्स यू स्नीज, जैसे छींकते हैं हम लोग, तो छींकते के समय में बहुत सारे वाटर्स में जो वायरस होंगे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वायरस, वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। अगर आप कंटामिनेटेड वाटर का सेवन कर रहे हैं उससे भी आपके शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं। फूड दैट इज कंटामिनेटेड और स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे भी आपको क्या होगा कि पैथोजन की एंट्री होगी। और कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर आप कोई कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, देर आर वेरियस वे ऑफ डूइंग कॉन्टेक्ट, सो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसी के आधार पर, एक होता है एयर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज, सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। अब कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जो होगा वो होगा कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। What is communicable disease? अब यहां पर हेडिंग देंगे communicable disease, communicable disease, communicable disease spread from infected person to healthy person, जो disease transfer होता है तो उसको बोलते हैं communicable disease। Microbial disease that can be spread, यहां पर लिखेंगे बात हम लोग, ये हो गया क्या माइक्रोबियल, माइक्रोबियल, माइक्रोबियल डिजीज, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम, दैट कैन कैन बी स्प्रेड, स्प्रेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन to infected person, infected person, that spread from infected person, sorry bacho, infected person to healthy person, in from infected person to healthy person, healthy person, infected person to healthy person through, किसके थ्रू जा रहा है, through कौन कौन एंट्रेंस द्वार द्वार है। तो एंट्रेंस के लिए हम बता दिए एयर, एयर से एंटर कर जाएगा, वाटर से एंटर कर जाएगा, फूड से हो जाएगा, बाय पर्सनल कॉन्टेक्ट से, बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट से हो जाएगा, बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट से हो जाएगा। तो फिजिकल कॉन्टेक्ट,
तो इज कॉल्ड कॉम्युनिकेबल डिजीज, इज कॉल्ड कॉम्युनिकेबल, कॉम्युनिकेबल डिजीज। ऐसे डिजीज को कॉम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे आपका हो गया कलरा, CF, कलरा हो गया आपका, आपका कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड के बाद चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया आपका, और ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो सो बच्चों यहां पर माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इनफेक्टेड पर्सन, कहां से, यहां पर इनफेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, एयर यू कैन राइट एयर, वाटर, फूड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। इतने सारे रूप से अगर डिजीज स्प्रेड हो रहा है तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे कलरा, कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है। तो क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज में, देखिए जब आप छींकते हैं, खांसते हैं तो क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्नीज, व्हेन यू कफ, मतलब ऐसे केसेस में क्या होता है, क्या होने की संभावना होती है। तो स्नीज और कफ करते समय हमेशा कहा जाता है कि रुमाल रखें, हैंकी रखें, ताकि आप छींकते समय किसी दूसरे अन्य व्यक्तियों के कॉन्टेक्ट में ना आए, उनको भी परेशानी ना हो। तो ये चीज है यहाँ पर। When person is suffering from common cold, देखिए इसका बता रहे हैं, when एक person है, this is a person, ये person क्या है, ये person है, और ये person is suffering from common cold, suffering from कहां से, कॉमन कोल्ड से ये सफर कर रहे हैं। स्नीजेस, अब यहां से ये छींकते हैं, जब ये स्नीज करते हैं, देखिए ये स्नीज करते हैं, पर्सन इज स्नीजिंग, तो क्या है, फाइन ड्रॉपलेट मॉइस्चर, यहां पर देखिए फाइन ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर, ये चारों तरफ इनका स्प्रेड होता है, फाइन ड्रॉपलेट fine droplet of moisture carrying thousand of virus are spread in air। ये कहां स्प्रेड होते हैं, एयर में। तो ये जो वायरस हैं, ये वायरस क्या करेंगे, दीज वायरस मे एंटर द बॉडी, ऑफ हेल्दी पर्सन। ये वायरस क्या करेंगे, हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर कर जाएंगे, वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन उनको कराने हैं। देखिए ये नोजल ड्रॉपलेट्स, ये ड्रॉपलेट्स जो है थाउजेंड ऑफ वायरस है। यहां ये बेचारा हेल्दी आदमी है, बड़ा हंस के जा रहा है, ये हंसता हुआ चेहरा, इसके बाद कुछ समय में ये भी इन्फेक्टेड हो गया, ये आदमी क्या हो गया, ये जो है इसके पास जैसे गया तो ये जो नोजल ड्रॉपलेट्स है, ये वैक्सीन जो है इसके नाक में प्रवेश कर गया। तो हेल्दी पर्सन बीइंग, ये हेल्दी पर्सन था, तो हेल्दी पर्सन क्या हो गया, हेल्दी पर्सन बीइंग इन्फेक्टेड, ये हेल्दी पर्सन गेटिंग इन्फेक्टेड, ये भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो मतलब ये कम्युनिकेबल हो गया एक पर्सन से दूसरे पर्सन। हियर हम क्या देख रहे हैं, डिजीज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये क्या हो गया, डिजीज ट्रांसफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। देखिए ना बच्चों, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ये जो था इन्फेक्टेड था सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अब ये जब छींका इसके फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर जिसमें हजारों की संख्या में वायरस थे, वो चारों तरफ वातावरण में फैल गया,
और उसके बगल में कोई हेल्दी पर्सन है वो भी संक्रमित हो गया, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। दिस इज एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। दिस इज मतलब डिस्कम्फर्ट। तो ये हुआ। अब हाउस फ्लाई कैसे स्प्रेड करते हैं डिजीज? हाउ डू हाउस फ्लाई, हमारे घरेलू मक्खियां भी रोगवाहक होती हैं, कैरियर्स ऑफ डिजीज होती हैं। हाउस फ्लाई इज ऑल्सो कैरियर ऑफ डिजीज, इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई आपने देखा होगा हाउस फ्लाई को, कि बहुत सारे जैसे कि मिठाई की दुकान हो और किसी चीज की दुकान हो, उसके चारों तरफ से शीशा का आवरण लगा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि शीशे के आवरण में कि मक्खियां उनमें प्रवेश नहीं कर पाती है। ये मक्खियां जो होती हैं वो रोगों के घर होते हैं। दे आर द रोग के घर, मतलब दे जहां पर बैठेंगे वहां पर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर बैठते हैं। तो इट इज वन ऑफ सच कैरियर ऑफ डिजीज, वन ऑफ डिजीज, कैरियर ऑफ डिजीज आप लिख सकते हैं। इट इज अ कैरियर ऑफ डिजीज को कैरी करने वाले हैं। इट इज कैरियर, ये क्या हो गया, कैरियर ऑफ दिस इज, इट इज कैरियर ऑफ डिजीज है आपके। फ्लाई सीट ऑन गार्बेज, फ्लाई कहां कहां बैठती है ये मक्खियां? ये मक्खियां कहीं भी बैठ जाती हैं। देखिए ये मक्खी फ्लाई, फ्लाई फ्लाई सीट ऑन, फ्लाई सीट्स ऑन कूड़ा करकट, जहां भी गार्बेज होता है, सूखा गार्बेज, गीला गार्बेज, कहीं भी वो बैठती है, फिट्स गार्बेज। एंड एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, तो एक्सक्रीटा मतलब एनिमल एक्सक्रीटा, जैसे ह्यूमन फेसेस इस पर सीट कर जाते हैं, काउ भैंस कहीं भी ये बैठ सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो ऐसा करते समय फ्लाई जब बैठती है तो उस पर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये इसके बॉडी पर स्टिक कर जाते हैं, इसके पैरों में स्टिक कर जाते हैं, हर जगह इसके बॉडी में ये स्टिक कर जाते हैं। तो माइक्रो पैथोजन स्टिक ऑन देयर बॉडी, रोग करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन सिट्स ऑन देयर बॉडी, जो रोग करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनके बॉडी पर बैठ जाते हैं। दीज हाउस फ्लाई, अब ये हाउस फ्लाई जो है जिस पर चारों तरफ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, देखिए ये माइक्रो, ये हाउस फ्लाई है, इसके चारों तरफ इसके हर पैर के पास जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हर बॉडी के लेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिटिंग ऑन द बॉडी ऑफ फ्लाई, यहां पर बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म सिटिंग ऑन द बॉडी ऑफ फ्लाई, ऑन द बॉडी ऑफ फ्लाई मतलब हाउस फ्लाई के बॉडी के ऊपर हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ जाते हैं। कब? जब वो ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन फेसेस, मल मूत्र, इन सभी चीजों पर ये मक्खियां जाती रहती हैं, और जाने के बाद हजारों संख्या में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनसे बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके बॉडी के चारों तरफ से घेर लेते हैं, इनके बॉडी पर बैठ जाते हैं, और ये मक्खी आपके चावल पर, आपके सब्जी पर, आपके कहीं भी जो है आके बैठ जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डाल देती है, ये ऐसा करती है। यहां पर दीज हाउस फ्लाई, दीज नाम है हाउस फ्लाई लेकिन ये रोग का घर, दीज हाउस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड, अनकवर्ड फूड, ये अनकवर्ड फूड, एंड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन, एंड दे मे ट्रांसफर, ट्रांसफर द पैथोजेन, ये पैथोजेन का ट्रांसफर करते हैं। हूएवर ईट दिस कंटामिनेटेड फूड, ये क्या करते हैं कि आप तो आपके अनकवर्ड फूड पर बैठ गए, अनकवर्ड है इसलिए फूड को ढक के रखना चाहिए, क्योंकि अनकवर्ड फूड पर ये फ्लाई बैठेंगी तो उनके शरीर पर, पैर पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड में चला जाएगा, और फूड में चला जाएगा तो जो भी व्यक्ति उस फूड को खाएगा संक्रमित हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसमें हूएवर ईट्स, हूएवर, हूएवर ईट द कंटामिनेटेड फूड, द कंटामिनेटेड फूड
is likely to get sick is likely to get sick, वो बीमार पड़ना जरूर है. सो क्या होता है कि एडवाइस दिया जाता है कि फूड को कवर्ड रखे. सो इट इज एडवाइस दैट कवर द फूड. सो इट इज एडवाइस्ड टू कवर द फूड. इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपने भोजन को कवर रखें. कंटामिनेशन का अर्थ होता है दूषित होना. कंटामिनेटेड फूड का अर्थ है दूषित भोजन. और सिक मतलब बीमार. उस आदमी जो है वो आसानी से बीमार हो जाएगा. इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा फूड को कवर्ड रखे और अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड. सब बात की एक बात कि आप जो है अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड. यहां पर लिख सकते हैं अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड. मतलब अनकवर्ड फूड का कंजम्पशन ना करें. ये हो गया. अदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज फीमेल एनोफिलिस. दूसरा कैरियर में अगर आती है तो वो आपकी फीमेल मादा एनोफिलिस आती है. अदर कैरियर इज फीमेल एनोफिलिस. अदर कैरियर्स हैं फीमेल एनोफिलिस विच कैरी पैरासाइट ऑफ मलेरिया. फीमेल विच कैरी पैरासाइट ऑफ मलेरिया. ये मलेरिया के पैरासाइट को क्या करते हैं? कैरी करते हैं. पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया कौन हो गया? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम के भी कई रूप होते हैं. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफॉरम, प्लाज्मोडियम मलेरी. तो ये सब मलेरिया के मीन्स बहुत सारे होते हैं मलेरिया के टाइप. इसलिए प्लाज्मोडियम का टाइप भी अलग अलग होता है. तो यहां पर क्या होता है फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो. देखिएगा ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फीमेल एनोफिलिस कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया. देखिए यहां बात ध्यान देंगे बच्चे कि फीमेल एनोफिलिस करती है. मादा जो एनोफिलिस है कैरी पैरासाइट ऑफ मलेरिया. ये मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करती है. अगर बात करें कि फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो, यहां पर फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो, मॉस्क्वीटो, फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. ये डेंगू वायरस के कैरियर का काम करता है. फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो एक्ट एज कैरियर. फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो किसके कैरियर है? कैरियर ऑफ डेंगू वायरस के कैरियर. दिस शुड बी नोटेड. तो अब हम लोग इन सब का कंट्रोल कैसे करेंगे? हाउ कैन वी कंट्रोल मलेरिया विच इज इन योर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. मलेरिया को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो मलेरिया जो है गंदी नली पर ब्रीड करता है. जहां जहां गंदी पानी हो वहां ब्रीड करता है. मीन्स एकदम साफ सफाई नहीं, कचरे वाले जगहों पर वो ब्रीड करता है नली में. ओपन ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत बड़ा घातक चीज है. ओपन ड्रेनेज सिस्टम इज ए ब्रीडिंग प्लेस ऑफ दिस मॉस्क्यूटो. तो हम यहां पर क्या करेंगे कि कंट्रोल ऑफ मलेरिया यहां चलेंगे. मलेरिया के कंट्रोल पर चल रहे हैं. कंट्रोल ऑफ मलेरिया में यू ऑल नो कि जितने भी मॉस्क्यूटो हैं सबका ब्रीडिंग प्लेस वाटर है. तो कंट्रोल ऑफ मलेरिया में ऑल इस तथ्य को लिखिएगा मॉस्क्वीटो कहां ब्रीड करते हैं? ब्रीड
इन वाटर, जितने भी मॉस्किटो हैं कहां ब्रीड करते हैं, ब्रीड करते हैं वाटर में. सो नॉट लेट द वाटर टू कलेक्ट, द वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर, किसी भी जगह पर वाटर को कलेक्ट ना होने दें, ना होने दें. जैसे कि आपका है कूलर, ये हो गया कूलर में भी देखते हैं कि वाटर जो है कलेक्ट, पहले डेसर्ट कूलर खासकर, इसमें बहुत ज्यादा पानी जो होता है वो कलेक्टेड हो जाता है, तो वो भी ब्रीडिंग प्लेस है मॉस्किटो का, डेसर्ट कूलर. टायर्स, टायर्स भी क्या है, ब्रीडिंग प्लेस है मॉस्किटो का. फ्लावर पॉट जहां पानी इकट्ठा हो रहा है वो भी क्या है, ब्रीडिंग प्लेस है मॉस्किटो का. तो ये सभी चीज जो है वो ब्रीडिंग प्लेस होते हैं मॉस्किटो के. तो कीप सराउंडिंग क्लीन, कीप सराउंडिंग क्लीन, सराउंडिंग, कीप सराउंडिंग क्लीन, कीप सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, एंड ड्राई. वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो, प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, हम ब्रीडिंग से उसको बचा सकते हैं. कीप सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, हम लोग मॉस्किटो को ब्रीडिंग से बचा सकते हैं. अब यहां पर कुछ लिस्ट बना रहे हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, लिस्ट बनाने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन हो रहा है, बैक्टीरिया में कौन कौन ह्यूमन डिजीज होते हैं बैक्टीरिया से, उनके लिस्टों को तैयार कर रहे हैं. तो यहां पर हम पहले लिख रहे हैं बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया यहां ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज कौन कौन सा हो रहा है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है इनका, तो ये हम लोग देखेंगे. तो बैक्टीरिया से होता है, एक होता है ट्यूबरकुलोसिस, इसको कहते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस. टाइफाइड, टाइफाइड. इसके बाद कलरा, कलरा. तो यहां पर जो टीबी है वो एयर बॉर्न डिजीज है, बाकी टाइफाइड और कलरा जो है याद रखिएगा ये वाटर बॉर्न डिजीज है. वाटर, देखिए बैक्टीरिया द्वारा होने वाला जो ट्यूबरकुलोसिस है ये हवा से संक्रमण, संक्रमित होता है खांस से, छींक से, ये सब. और टाइफाइड वाटर से और कलरा वाटर से. तो टाइफाइड और वाटर किस तरह से है, तो टाइफाइड एंड कलरा आर वाटर बॉर्न डिजीज, बट ट्यूबरकुलोसिस इज ऑल्सो प्रोन कॉज बाय बैक्टीरिया, लेकिन वो एयर बॉर्न डिजीज है. ये एयर बॉर्न, बाकी कलरा और टाइफाइड वाटर बॉर्न. अब हम चलेंगे वायरसेस पर. वायरस, वायरस से कौन सा होता है, तो वायरस से देखेंगे मीजल्स, मीजल्स, मीजल्स के बाद चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स के बाद होता है पोलियो, पोलियो का इराडिकेशन चल रहा है, पोलियो, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस, 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 हिपेटाइटिस ए. तो ये जो हो गया हिपेटाइटिस, केवल यही वाटर ब्रॉन है, वाटर ब्रॉन है वाटर से, बाकी सब एयर का संक्रमण से है. ऑल आर एयर, 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 सभी एयर ब्रॉन डिजीज है. ये जो है एयर ब्रॉन, बाकी केवल हिपेटाइटिस ए जो है ये वायरस के द्वारा डिजीज है, लेकिन वाटर ब्रॉन है. मलेरिया में बात करेंगे तो मलेरिया कैसा है, तो मलेरिया ये होता है प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाला है मलेरिया, मलेरिया किसके द्वारा, ये मॉस्किटो के द्वारा ब्रॉन है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये लिख सकते हैं फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो.
क्यूटो, फीमेल एनोफिलिस एनोफिलिस मॉस्किटो, मतलब ये खासकर आप मॉस्किटो लिख सकते हैं, फीमेल एनोफिलिस से ही होता है और इसको मॉस्किटो लिख सकते हैं, मॉस्किटो। तो ये वेरियस टाइप ऑफ डिजीज थे जो स्प्रेड होते हैं आपको ऐसे। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है मलेरिया, वायरस के द्वारा होता है मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो जो कि एयर बॉर्न डिजीज है, हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा है लेकिन वाटर बॉर्न डिजीज है। तो दिस वेयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो रोग है वो यहां पर दिया गया था। ये बैक्टीरिया, अब हम लोग क्या है कि हम लोग पढ़े थे, अब बैक्टीरिया, तो ये हमारा था बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग चलते हैं फूड पॉइजनिंग के तरफ। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के बारे में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग है क्या। तो इट क्यूड बी, इट इज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड, ये बेकार के फूड खाने के कारण होता है स्पॉइल्ड फूड, कॉज्ड बाय स्पॉइल्ड फूड किसके द्वारा होगा, कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पॉइल्ड फूड कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहायता से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि स्पॉइल्ड फूड पर ग्रो करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोज ऑन दिस स्पॉइल्ड फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन दिस स्पॉइल्ड फूड, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस स्पॉइल्ड फूड पर ग्रो करते हैं एंड सम टाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पर ग्रो करेंगे, बेकार के फूड पर ग्रो करेंगे, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंस, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो फूड बर्बाद हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो ये बेकार कौन करता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव करते हैं, और सूक्ष्म जीव जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बेकार वाले फूड पर ग्रो करते हैं और उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, और जब ये कोई खाता है तो वो बीमार या सिक हो जाता है। दिस मेक्स फूड पॉइजनस, ये क्या करते हैं, दिस मेक्स फूड पॉइजनस, ये फूड को क्या बना देता है, जहरीला बना देता है, पॉइजनस बना देता है, और इससे क्या होता है, सीरियस इलनेस हो जाता है, सीरियस इलनेस और इवन डेथ हो जाता है, और आदमी का डेथ। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट प्रिजर्व फूड, सो वी शुड, हम लोग को क्या चाहिए, फूड को प्रिजर्व रखना चाहिए, सो वी शुड प्रिजर्व फूड, हम लोग को फूड को सुरक्षित रखना चाहिए। तो फूड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, फूड प्रिजर्वेशन के अलग अलग मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। वेरियस मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। Various method of food preservation। फूड प्रिजर्वेशन के जो कुछ मेथड हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को हमारे स्पॉइल कर देते हैं, और स्पॉइल फूड जो है वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, इसलिए हमें फूड
प्रिजर्व करने चाहिए, वी शुड प्रिजर्व फॉइल, अदरवाइज उससे अगर फूड रखेंगे तो उससे बेकार स्मेल आने लगेंगे एंड उसके टेस्ट भी खराब लगते हैं और उनके कलर भी बदल जाते हैं, तो सो स्पॉइल्ड फूड को नहीं खाना चाहिए। तो कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन में पहले चलेंगे केमिकल मेथड। ये जो है केमिकल मेथड, ये आपके दादा दादी के समय से चला आ रहा है, नमक मिलाना, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल, आर कॉमन केमिकल, आर कॉमन केमिकल केमिकल यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें नमक और खाने का जो तेल होता है ये भी जो है वो प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है, जैसे कि देखते हुए अचार बनाते समय या किसी मछली उछली को रखते समय इसे प्रिजर्वेटिव्स के रूप में रखा जाता है। एंड क्या अचार उचार में ये सब क्या होते हैं, नमक या तेल मिला के रखा जाता है कि अचार हमारा सुरक्षित रहे, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। तो और दूसरे केमिकल के रूप में देखेंगे, केमिकल के रूप में केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स के एक होता है आपका सोडियम बेंजोएट, एक सोडियम ये केमिकल है, सोडियम बेंजोएट ये केमिकल है, और सोडियम मेटा सल्फाइड, सोडियम मेटा सल्फाइड, सल्फाइड ये भी आपका केमिकल है जो कि आपको सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। यूज टू ये कहा जैम वगैरह में यूज होता है, यूज इन जैम, जैम जैम्स में इसका उपयोग किया जाता है, एंड स्क्वैशेस, एंड स्क्वैशेस, स्क्वैशेस में इसका उपयोग किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, अब जो है पढ़ेंगे, ये केमिकल मेथड था वेरियस मेथड में, जिसमें पहला हम लोग प्रिजर्वेशन में पढ़े केमिकल मेथड, फर्स्ट थिंग वी हैव स्टडीड इज केमिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो सॉल्ट और एडिबल ऑयल हम लोग के बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि हम लोग अचार में लगा के इसको छोड़ देते हैं, इसलिए इनको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करते हैं। तो ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए यूज किया जाता है, कभी कभी एसिड्स भी, विनेगर जो है वो भी यूज किया जाता है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए। तो हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन पढ़ रहे हैं, प्रिजर्वेशन, और मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ये पहला मेथड था केमिकल मेथड्स। अब इस मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 4 में, और ये चैप्टर 2 क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय का लेक्चर नंबर 3 यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।